अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना था कि किस तरह से मैंने होममेड एग इनक्यूबेटर बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरी पिछली वीडियो जो कि थी चिक हैचिंग इन होममेड एग इनक्यूबेटर पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था मेरे से यूट्यूब पर, बल्कि फेसबुक पर भी लोगों ने मैसेजेस करके कमेंट करके पूछा कि किस तरह से आपने ये इनक्यूबेटर बनाया था और इसका क्या रिज़ल्ट आया, और अगर रिज़ल्ट अच्छा आया है तो आप हमें ये बताएं। तो माशाल्लाह से मेरे होममेड एग इनक्यूबेटर का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है। आप लोग वीडियो देख सकते हैं कि मेरी मुर्गी जिसको मैंने इसी इनक्यूबेटर से अंडे निकाल कर दिए थे, उसके भी माशाल्लाह से सारे चूज़े निकल आए और इनक्यूबेटर का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। सिर्फ एक दो अंडे ख़राब हुए थे, वो भी अंदर चूज़े बन गए थे। पता नहीं लास्ट डेज पे क्या मसला हुआ, दो अंडे अंदर ही मतलब मर गए थे, लेकिन बाकी रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ अपने इनक्यूबेटर के रिज़ल्ट से। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये मैंने थर्मोस्टेट लगाया था यहाँ पे, ठीक है। थर्मोस्टेट मैंने कहाँ से लिया था वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये थर्मोस्टेट है, ये इसके तीन बटन हैं इसको सेट करने के लिए, ठीक है। और ये मैंने ना क्लिप बोर्ड लगाया है, और ये जो है ना ये एक सिंपल गत्ते का डब्बा है जो कि आपको किसी भी जनरल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। ये वो क्लिप बोर्ड है जिस पर मैंने अपने पेपर दिए हैं इस बार, और अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं, इसके अंदर मैंने, ठीक है ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, अंदर मैंने लेमिनेशन शीट लगाई है। ये लाइट ऑन होने से ना, हाँ अब ठीक नज़र आ रहा है। तो मैंने अंदर लेमिनेशन शीट लगाई है। लेमिनेशन शीट लगाने का मकसद ये है कि बल्ब से निकलने वाली जो हीट है ना वो गत्ते से निकल सकती थी, इसलिए लेमिनेशन शीट लगाई गई है ताकि हीट अंदर ही रहे, ठीक है। और साथ ये बल्ब है, ठीक है। बल्ब के साथ मैंने यहाँ पे लगाया है फ़ैन। फ़ैन को लगाने का मतलब ये है ताकि हीट ज़्यादा ना मिले अंडों को, ठीक है। उसके अलावा अंदर ही हवा सर्कुलेट करती रहे, उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी को भी बढ़ाया जा सके। ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए या उसके लिए मैंने सिंपली एक बाउल यूज़ किया है, एक मिट्टी का प्याला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने इसको ना बल्ब के नीचे रखना है, ठीक है, बल्ब के नीचे रखना है। और फैन हमेशा छत वाली साइड पर लगाना है, अपने साइड पर नहीं लगाना है। छत पर इसलिए लगाना है क्योंकि जब हम इस बाउल को यहाँ पे रख देंगे ना, ठीक है, तो क्या होगा, बिल्कुल ऊपर से हवा आ रही होगी जिसकी वजह से पानी उड़ेगा और वो अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ठीक है। अपने साइडों पे नहीं लगाना, इस तरह टेम्परेचर भी कम हो जाता है और ह्यूमिडिटी भी कम हो जाती है। अच्छा, अगर आपने मिट्टी का प्याला इस्तेमाल करना है तो उसके चांसेस है कि आपका इनक्यूबेटर नीचे से गीला हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको, ये एक जो टेप होती है खाली टेप हो जाती है, तो ये मैंने इसके ऊपर रख के इस तरह मैंने इस्तेमाल किया ताकि मेरा इनक्यूबेटर नीचे से गीला ना हो। उसके अलावा अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ये बाउल यूज़ कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। उस बाउल के अंदर फोम, ठीक है, फोम इस्तेमाल करना है। फोम इसलिए इस्तेमाल करना है, इससे ह्यूमिडिटी अच्छी बढ़ जाती है। तो इस तरह से मैंने बनाया। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो थर्मोस्टेट है ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आपको मार्केट से भी मिल सकता है और आपको मतलब किसी भी शॉप से मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से जहाँ से ये सामान मिलता है आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं बाहर जाकर इसको लेकर आती, मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि ये कहाँ से मिलेगा, तो मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया। अच्छा, आपको ये सस्ते में भी मिल जाएगा, मैंने इसको 1500 रुपये में लिया क्योंकि ये सस्ते में भी मौजूद था, लेकिन फिर भी महंगा लेने की वजह क्या थी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। महंगा लेने की वजह ये थी, इसके साथ फ़ैन भी था, ठीक है, इसके साथ अडेप्टर, उसके साथ जो बल्ब का होल्डर है वो भी मौजूद था, और ये थर्मोस्टेट भी था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, उन्होंने वायरिंग करके दी। ये आप तारों का गुच्छा देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बढ़ा के दिखाऊं, ठीक है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये तारों का गुच्छा।
अब देखिए मुझे तो इतनी इस चीज़ की नहीं थी समझ, ठीक है, कि यहाँ कौन सी तार कहाँ पे लगनी है, तो मैंने सोचा ये ना हो कि मैं लूँ और लेते ही ना मैं गलत तारे जोड़ दूँ, ये ख़राब कर बैठूँ। इससे बेहतर है कि मैंने 1500 रुपये भर लिए और इसको ना वायरिंग वाला ही मैंने ये ले लिया। ये देख सकते हैं इतनी सारी तारें जा रही हैं, तो मैंने इस ख्वारी से बचने के लिए 1500 रुपये ही भर दिए। तो आप लोग चाहें तो अपने किसी लोकल शॉप से ये ले लें थर्मोस्टैट और उनसे ही मतलब के तारे वगैरह हर चीज़ जुड़वा कर ले आएँ, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं अंदाज़ा तो फिर आप भी मेरी तरह ऑनलाइन ही इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑनलाइन लिया था, ऑनलाइन लेने के बाद तकरीबन 4 से 5 दिन बाद ये उन्होंने घर पे पहुंचा दिया। हर चीज़ सेट की हुई थी लेकिन जो टेम्परेचर था इसके अंदर ना कुछ एरर था। इसके अंदर एरर मुझे किस तरह से पता चला, जो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो हाइग्रोमीटर था वो मैंने साथ यूज़ किया। जब मैंने वो यूज़ किया तो उसका तो मुझे अंदाज़ा था कि वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी उसके ऊपर चूज़े उसको इस्तेमाल करके मैंने चूज़े निकलवाए हैं, तो उसके मुताबिक मैंने इसके अंदर एरर को सेट कर लिया। फिर शुक्र है मेरा ये थर्मोस्टैट जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम करता रहा और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने हैं कि चूज़े भी माशाल्लाह से सारे निकल आए। अब देख सकते हैं ये बिल्कुल ऑटोमेटिक है, आप लोगों के सामने ही जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होने लगता है तो ये खुद ही ऑन हो जाता है बल्ब, ताकि टेम्परेचर बढ़ाया जा सके, और जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो फिर ये खुद ही बल्ब ऑफ हो जाता है। तो ये थी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।